नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर वोटों की गिनती आज होनी है और मतगणना से पहले ईवीएम व ब्लैंड पेपर को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। बैलिसा मतगणना केंद्र पर सफेद स्कॉर्पियो में ब्लैंड पेपर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सफेद स्कॉर्पियो से ब्लैंड पेपर और ईवीएम लाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतगणना से पहले आजमगढ़ और मुरादाबाद में सरकारी तंत्र पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाते हुए एक वाहन से सादे मत पत्र बरामद होने का दावा किया है और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बनारस नंबर की गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, जिसमें बैलेट पकड़ा गया है। स्कॉर्पियो में ये नंबर UP 65 D 4042 ये भाजपाइयों की गांव में दम नहीं है क्या? अपने चुनाव जीतने की जो ईवीएम की हेरा फेरी करते हैं, साले अपने दम पे चुनाव लड़ो, एक कोर्ट दे पार्टी दिखाओ। बहुत सपा ने आरोप लगाया कि ईवीएम को बदलने की कोशिश की जा रही थी। सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले को शांत कराया। सपा कार्यकर्ता मतगणना केंद्र चकवल और FCI गोदाम बैलिसा में डेरा डाल रखा था। रात में एक स्कॉर्पियो वहां पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उसको घेर लिया। इस दौरान स्कॉर्पियो में बैलेट पेपर दिखने पर सपा कार्यकर्ता भड़क गए। इस विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संग्राम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव और MLC राकेश यादव के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि अनूप योगी पोस्टल बैलेट पेपर जिसे कल भी भेजना था उसे आज भेजा गया। इसमें वीडियो की लापरवाही के कारण ये आशंका उत्पन्न हुई। इस लापरवाही के कारण वीडियो को सस्पेंड करने की सिफारिश चुनाव आयोग से की गई है। स्कॉर्पियो पर काली फिल्म चढ़े होने के कारण उसको सीज किया जाएगा। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।